मॉर्निंग राइडर्स, आज मैं बात करूंगा रॉयल इनफील्ड क्लासिक के मेरे यूज़र एक्सपीरियंस की इन 9000 किलोमीटर्स में. मैंने क्या क्या पार्ट्स चेंज करवाए बाइक में और मेरी राइड्स कैसी रही, वो ऑन रोड थी, ऑफ रोड थी. ओके, आई विल कीप दिस वीडियो वेरी सिंपल और पॉइंट टू पॉइंट रखने की मैं कोशिश करूँगा. सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास रॉयल इनफील्ड क्लासिक का लेटेस्ट एडिशन है रेडिच ग्रीन, जो मैंने कुछ अप्रैल लास्ट में ख़रीदी थी. और ये बाइक मेरी लास्ट मंथ तक 9000 किलोमीटर चल चुकी थी, जो कि मेरी फोर्थ सर्विस हुई थी. इस दौरान मैंने जो चेंजेस करे थे और उसमें मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और मेरा क्या पॉइंट है रॉयल इनफील्ड क्लासिक को लेकर. रॉयल इनफील्ड में जो रियर ब्रेक्स हैं वो ड्रम ब्रेक्स हैं और जो फ्रंट में हैं वो डिस्क ब्रेक हैं. हालांकि अब जो रॉयल इनफील्ड के दो नए एडिशन लॉन्च हुए हैं, स्टेल्थ ब्लैक और गन ग्रे, उन दोनों में ही बाइकों में जो रियर में जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक हैं. और 2018 में जो बाइक्स लॉन्च होने वाली हैं, कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर 650, उसमें भी रियर में डिस्क ब्रेक हैं विद ABS सिस्टम, क्योंकि वो 650 648 cc की बाइक्स हैं और काफ़ी पावरफुल बाइक्स हैं, तो उनमें ABS भी हमें देखने को मिलेगा. खैर, बात करते हैं क्लासिक रेडिच की. क्लासिक रेडिच में पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं और 5000 किलोमीटर अप्रॉक्स आपके चलाने के भी ढंग पर थोड़ा ये चीज़ डिपेंड करती है. 5000 से 7000 के बीच में आपको रियलाइज़ होगा कि आपके डिस्क जो ब्रेक्स हैं, रियर ब्रेक्स हैं, ड्रम ब्रेक्स, उनमें से एक साउंड आने लगता है. मतलब जब भी आप ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, वो एक इंडिकेशन होता है कि ब्रेक अब आपके रिप्लेस होने चाहिए. कई बार वो साउंड डस्ट और पानी की वजह से भी आ जाता है, तो ये एक बार चेंज कराने से पहले चेक करवा लें अपने मैकेनिक के साथ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम 5000 से 6000 ही लाइफ होती है जो रियर ब्रेक्स होते हैं रॉयल इनफील्ड में. क्लच वायर, जो सबसे ज़्यादा अनोइंग चीज़ मेरे को अभी तक किसी भी रॉयल इनफील्ड बाइक में देखने को मिली है, और मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं या फिर आप लॉन्ग राइड पर होते हैं. क्लच वायर अचानक टूट जाती है और रॉयल इनफील्ड को बिना क्लच वायर के चलाना बहुत मुश्किल है. और हमेशा, मतलब जो लोग रॉयल इनफील्ड चला रहे हैं, जैसे मैं पिछले तकरीबन 10 साल से रॉयल इनफील्ड की बाइक चला रहा हूँ, इससे पहले मेरे पास थंडरबर्ड थी, उसमें भी मेरे को यही प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि मेरी क्लच वायर जब भी टूट जाती थी, तो वो अचानक कभी भी आप हाईवे पर हैं या फिर आप सिटी में ही राइड कर रहे हैं. तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप अपने पास एक एक्स्ट्रा क्लच वायर रखें. और ये क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इस चीज़ को हम ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं. रॉयल इनफील्ड के जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस नहीं है, और उनसे प्रॉब्लम क्या होती है, जब कभी भी आपको कोई पंक्चर या फिर कोई भी ट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आपको बाइक को पुश करना पड़ता है. और एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार तो क्या होता है कि ट्यूब, मतलब मैकेनिक के पास ले जाते ट्यूब भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपको ट्यूब ही रिप्लेस करनी पड़ती है. तो क्योंकि रॉयल इनफील्ड के अलॉयस जो हैं वो स्पोक्स अलॉय हैं, जिनमें ट्यूबलेस टायर नहीं फिट हो सकते हैं. अगर आपको ट्यूबलेस टायर चाहिए अपनी बाइक में, तो आपको पहले उसमें अलॉयस लगवाने पड़ेंगे और उसके बाद आप ट्यूबलेस टायर लगा सकते हैं. तो इतने सारे खर्चे से बचने के लिए लोग जनरली ट्यूबलेस नहीं लगवाते हैं और ट्यूब में ही चलने देते हैं. बट अगेन, क्योंकि 180 से 190 केजी की बाइक है, और कहीं रास्ते में अगर वो पंक्चर हो जाती है, तो उसको पुश करना और पुश करके मैकेनिक तक लेके जाने तक ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्यूब भी सेफ रहे. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने एक दो बार फेस करी है. मेरी ट्यूब भी एक बार चेंज हो चुकी है इसी रॉयल इनफील्ड क्लासिक में. अच्छा, ये मिसिंग से रिलेटेड जो एक इशू मैंने बीच में नोटिस करा था और मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर में भी बात करी, हो सकता है कि मैं इसका थोड़ा जो सोल्यूशन है या फिर इसकी अपडेट थोड़ा लेट दे रहा हूँ, क्योंकि अब कोई रेनी सीज़न नहीं है. जनरली मैंने क्या नोटिस करा था कि रेनी सीज़न में जब भी कभी बारिश होती थी, तो बाइक नेक्स्ट डे से लेकर मेरे नेक्स्ट फ्यूल टॉपअप तक बाइक में मिसिंग देखने को मिलती थी. हालांकि जब से रेनी सीज़न नहीं है और अभी विंटर्स चालू हो गए हैं, तो अभी उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो मेरे को जो डाउट था कि वो वाटर जा रहा है किसी तरीके से टैंक में, वो अब मेरे को यकीन हो गया है कि वो जो बीच में बाइक मिसिंग ले रही थी, खासकर मेरी रेडिच, और मैंने शोरूम पर भी एक दो लोगों को
सुना था ये बोलते हुए कि उनकी भी बाइक्स उस टाइम पर मिसिंग ले रही थी। तो वो एक मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी, बट हाँ मेरे को प्रॉब्लम पता चल गई है कि वो बाइक में जो पानी जा रहा था टंकी के ऊपर से, उसकी वजह से वो मिसिंग की प्रॉब्लम फेस करने को हो रही थी।